हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। यार एलिवेट की जब मैंने वीडियोस डाली थी ना वेरिएंट्स की, उसमें ना एक कमेंट इतना कॉमन था कि भाई आप जाओ जो इसकी एसेसरी आ रही है ना, वेंटिलेटेड सीट्स, उसमें मसाजर भी है, वो ले आओ। क्योंकि मतलब मैं बता रहा था कि भाई फीचर्स में वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा भाई ठीक है, अभी तक यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो ऐसे मैंने तो नहीं देखी है, शायद से आपने भी नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो में ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई एलिवेट की जो एसेसरी है कितने की है, कैसे लगेगी, क्या नहीं। तो आज का जो हमारा सीन है भाई, आज हम जा रहे हैं होंडा के शोरूम में, उधर जाके देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। तो ये लो जी, पहुंच चुके हैं होंडा के शोरूम में। आई जस्ट होप कि मिल जाए सीट, की इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए यार, क्योंकि वीडियो में बस इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इधर देखो SV वेरिएंट भी खड़ा है। ओहो, आया ऑर्गेजम कार लवर्स को। AMG जी हाँ, G63 ऑल न्यू मर्सिडीज G-Wagon। बट एनीवे, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे हम फोकस करते हैं, लेट्स गो। तो यार फिलहाल मैं पहुंचा हूँ होंडा के शोरूम में, और इस सामने ना एलिवेट खड़ी है, इधर भी एलिवेट है उधर भी एलिवेट है, बट आपको पता है वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं आती हैं। अब ये देख लो, ये VX खड़ा है, इसमें नहीं आती है। टॉप वेरियंट में आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं। बट जो भाई मैंने एसेसरी देख ली ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप कहोगे भाई क्या एसेसरी है, ये भी यार VX ही है। वैसे तो वो एसेसरी किसी भी वेरियंट में लग सकती है, बट हाँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई ये है, वैसे तो टॉप मॉडल है ZX, बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एसेसरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किसी भी वेरियंट में लग सकती है भाई। जी हाँ, फर्स्ट होंडा एलिवेट विद वेंटिलेटेड सीट्स एंड मसाजर, बिल्कुल सही, यही है भाई वो एसेसरी। और वीडियो में ना एंड तक बने रहो, मैं पूरी आपको वर्किंग बताऊंगा और विद प्राइस मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसका प्राइस है। जो और एसेसरीज होती है ना जो उधर लगी हुई है, उन सबका तो आपको बताइए भाई, क्रोम रेन वाइजर, सीट कवर वगैरह, वो सब तो बेसिक एसेसरी है। बट अभी तक हमें एलिवेट में क्या कंप्लेन थी भाई, इसमें ना कोई भी वेंटिलेटेड सीट हमें देखने को नहीं मिलती है। बट ये देख लो भाई पूरा जुगाड़। अब मैं आपको ना इसकी वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि भाई ये स्टार्ट कैसे होगी, ये अब हम जाते हैं रियर सीट्स में। ये देख लो भाई, इधर एक तो बंद रखी है, बक्कल हो रखी है, बट 12 वोल्ट के सॉकेट में ये हो रखी है कनेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता चल गया होगा ये स्टार्ट कैसे होगी, मतलब इसे पावर कैसे मिलेगी। अब मैं आपको ना इसके बटन्स दिखा देता हूँ, कैसे बटन्स हैं, क्या क्या वर्किंग है। ये देख लो, इसका मतलब है फैन स्पीड। इधर देख लो, चार बनी हुई आ रही हैं, बट 3 तक होगी भाई फैन स्पीड, जैसे मेरी वरना में है ना 3 आती हैं, मतलब कि पावर वगैरह जो ये हवा देगी वो इधर से कंट्रोल होएगा। और जो ये देख रहे हो ना भाई, ये है मसाजर, मतलब कि भाई एलिवेट में आपको मसाजर भी मिलेगा। और मैंने ना वैसे देखो पहले ही चेक कर लिया है, जो वर्किंग है एक नंबर है। और मैं आपको ना जेन्युइन बताऊंगा भाई, क्योंकि मुझे तो क्या ही है यार, मतलब समझ रहे हो ना मेरा तो इसमें क्या ही हाथ है। तो बिल्कुल ये जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस साइड लगी है, इस साइड नहीं, तो यार एसेसरी है तो इन्होंने बस एक शोकेस करने के लिए लगा रखी है। बट हाँ, अब इधर लग रखी है, आप इधर भी लगा ही सकते हो। अब जब आप इधर लगाओगे, इधर से आप ये 12 वोल्ट का इधर आप प्लग इन कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि 12 वोल्ट के सॉकेट का यूज है ना जो, वो आपका पूरा हो जाएगा, तो आप और कुछ यूज नहीं कर पाओगे। बट बहुत बातें हो चुकी हैं, अब ना हम बैठते हैं। अब इसका ना कंफर्ट चेक करते हैं कि भाई कंफर्ट कैसा है। अब बैठने की बात करें ना, देखो कहीं ना कहीं ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी ही लगेगी। टॉप वेरियंट की वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको सारा ही बता रखा है कितना ही तगड़ा कंफर्ट है। आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, बट इसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ किसी चीज पे हम बैठे हुए तो हैं। बट एनीवे, एक बार कार को मैं ना एसेसरी मोड पर डाल देता हूँ ताकि सॉकेट पावर आ जाए। और विंडो को ना मैं एक बार अप कर देता हूँ ताकि शोर भी ना आए। ये लो जी, विंडो भी अप हो चुकी है। अब आ जाती है मेन चीज, वेंटिलेटेड सीट्स, मसाजर को भाई एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रही है। अब मुझे फील लेनी है तो कहाँ से लूंगा भाई। ये रहा बटन, अब मैंने इसे प्रेस करा, ये देखो मैं 1x पे करता हूँ, ठीक है जी, ये 1 लेवल हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया, और अभी से मुझे कूलिंग फील हो रही है। बट अगेन एक बार मैं फिर से प्रेस करता हूँ, ये देख लो बंद हो चुकी है। तो आपको ये तो समझ आ चुका होगा 3 लेवल तक है इसका, ये मैंने फुल कर दिया। एंड कहीं ना कहीं भाई मैं देखो अच्छे से कंपैरिजन कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरी कार में भी वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर है, तो बिल्कुल ही मैं आपको ऑनेस्ट होके ओपिनियन बता सकता हूँ कि क्या फील है क्या नहीं। देखो हवा तो आ रही है, बट एक होता है ना कि जैसे जो इनबिल्ट होता है उसमें आवाज नहीं आती, इसमें ना ऐसे फैन की आवाज आ रही है, क्योंकि भाई जो फैन है ना वो नीचे लगा हुआ है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट एनीवे, अब हम बात करते हैं मसाजर की, फर्स्ट इन सेगमेंट कह लो भाई, इसमें मसाजर का ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, मतलब कि ऑब्वियस ज्यादा एसेसरी का पार्ट है, बट स्टिल भाई जो है वो है। ये लो जी, मसाजर का बटन मैंने दबाया, एंड आई स्वेयर जो ये मसाजर काम कर रहा है ना भाई,
जबरदस्त, मतलब कि प्रॉपरली फील हो रहा है यार। अब वही बातें यार, मैं आपको कैसे फील कराऊंगा, वीडियो के थ्रू फील नहीं करा सकते, बट अगर आपके घर के आसपास होंडा का शोरूम है, जाओ ये एसेसरी चेक करो। और जो मेरे भाई एलिवेट लेने का सोच रहे हैं, ये एसेसरी तो मस्ट बाय है। मतलब आप एक ले लेना पहले, ट्राई टू भी कर लेना, अगर पसंद आई दूसरी भी ले लेना। ऑब्वियसली बात है भाई, रियर सीट्स पे नहीं लगेगी जहां तक मुझे पता है, बट हाँ इधर और इधर आप लगा सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है यार, मौज आ रही है भाई, फुल मौज आ रही है। कमर में दर्द भी था, डेडलिफ्ट लगाई थी, मजे से आगे। बट यार अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, वरना आपका भाई रोज वीडियोस डालता है, देख लिया करो यार। बट हाँ सब्सक्राइब कर लेना, मजा आ जाएगा। जैसे अभी मुझे ये मसाज लेते हुए मजा आ रहा है, जबरदस्त भाई। होंडा ने जो एसेसरी का काम करा है ना भाई, बढ़िया करा है। बट आप एक बात बताओ, ये एसेसरी हम किसी और कार में भी तो लगा सकते हैं, मतलब कि ऑब्वियस बात है डायमेंशंस वगैरह अलग होंगी, अब वो या आफ्टर मार्केट ही कंपनियां कर ही देंगी। बट ये सब छोड़ो भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फैन है जो आवाज कर रहा है। कैमरा में मुझे पता नहीं आ रही आवाज़ें, नहीं आ रही। एक बार अब मैं निकलता हूँ बाहर, और जो ये मसाजर है ना, इसे मैं कर देता हूँ बंद। ये लो जी, मसाजर बंद हो चुका है, अब मैं आपको फैन दिखा देता हूँ। एंड ये है फैन, अब आप ध्यान से ना आवाज सुनो, थोड़ी बहुत आपको लग रही होगी आवाज है। ये लो, ये है भाई प्रॉपर वर्किंग, ये है फैन, ये आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत आवाज। इससे ये वेंटिलेटेड सीट काम करती है, वरना की वेंटिलेटेड सीट्स की बात करें ना, इधर बटन आता है, बट एज सच कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि इसका फैन है भाई सीट्स के नीचे। इधर से ना पाइप भी जा रही है, ये आप पाइप देख सकते हैं, एलिवेट का मैंने आपको दिखाया, इधर ही फैन आ जाता है। बट कहीं ना कहीं यार वही बातें आ जाती है, जो कंपनी की फैक्ट्री फिटेड चीजें होती है ना, वो ज्यादा प्रीमियम हमें कहीं ना कहीं लगती ही लगती है। एंड जेन्युइन एसेसरी की बात करें यार, है तो देखो वो बात की चीज ही, तो वो इतनी एज सच प्रीमियम नहीं लगती, इधर से हमें दबाना पड़े बटन वगैरह। तो हाँ भाई यही है प्रॉपर वर्किंग, जिसकी इतनी हाइप है ना कि भाई वेंटिलेटेड सीट्स मसाजर लग सकता है एलिवेट में। हाँ भाई लग सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट भी भाई आनी चाहिए थी, या फिर इसको एसेसरी का पार्ट दे देते, क्योंकि यार कार ना ये बहुत ही ज्यादा रिच है। बट वही बात है, मैं डिटेल में कार कवर नहीं करूंगा, वीडियो बेफालतू खींच जाएगी, एक तरह से वही है जेन्युइन एसेसरी के ऊपर है ये वीडियो। तो आप इधर भी देख सकते हैं एसेसरीज वगैरह हैं, बट ये बेसिक एसेसरी हैं, पूरा पैक है। जैसे इधर क्वार्टर पैनल वगैरह पे एसेसरी लगी रेन वाइजर, और इधर भी आपको एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है। बट जो मेन अट्रैक्शन है वो भाई मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, 6000 की ये एसेसरी है, पर सीट वाली मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको उसकी चाहिए तो टोटल 12000 हो जाएगी। वेंटिलेटेड सीट आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से आप मसाजर कर सकते हैं, बाकी फैन आपका इधर लगा हुआ है जो कि थोड़ी बहुत आवाज़ करेगा, जो ओनली नेगेटिव मुझे लगता है। बट अगर आपको फीचर्स चाहिए ये छोटे मोटे, तो आप मतलब कि नेगेटिव ना इग्नोर भी कर सकते हैं। पीछे से बकल हो रखी है और इधर से ये हो रखी है कनेक्ट। एक तरह से देखा जाए ना भाई, वर्किंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और कोई भी कार के लिए ना ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। बट कहीं ना कहीं यार जो होंडा एलिवेट का कम्फर्ट बिना इस चीज़ के ना, मतलब कि वेंटिलेटेड सीट के, वो मिसिंग आपको कहीं ना कहीं लगेगा। बट जो अच्छी बात है, ये एसेसरी आप कोई भी वेरिएंट में लगा सकते हैं, जैसे नीचे एसवी खड़ा है उसमें भी लगा सकते हैं, वीएक्स खड़ा है उसमें भी लगा सकते हैं, वी में भी लगा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाई प्लस पॉइंट है। बट फिलहाल यार इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।